नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है महिलाओं और लड़कियों के बयान आप तक पहुंचा रहे हैं, सच्चाई आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक महिला हमारे से जुड़ी हुई है जो कि डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी लंबे समय से आ रही हैं। जानते हैं उनके क्या विचार हैं यहाँ के माहौल के बारे में और गुरु जी के बारे में। क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। कितने समय से आ रहे हैं? हम यहाँ पे 20-22 साल से आ रहे हैं। और किस तरह का माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा माहौल हमने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। मतलब जैसे जाते हैं, कहीं भी गैदरिंग होती है, जागरण है, कहीं भी कोई विवाह शादी, हर जगह औरतों के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा माहौल हमें ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम अपने परिवार में हैं या हम कहीं बाहर आए हुए हैं। हमने ऐसा आज तक कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं देखा यहाँ पे। अपनी लाइफ में आपने कौन कौन से सोशल वर्क्स जो हैं किए हैं, कौन कौन से मानवता भलाई के काम आपने किए हैं अपनी लाइफ में? हमने डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद ही हमें पता चला है कि ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए किए जा सकते हैं। और सबसे पहले तो हमने हमसे मिलित हुए थे डेरा सच्चा सौदा के दौरान चलाए गए सफाई अभियान में, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप के कैंप में भी हुए हैं, और भी अलग अलग जो छोटे मोटे हैं। ख़ासतौर पर मेरे जो हस्बैंड है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। मैं तो जैसे घर के कामों की वजह से थोड़ा निकल नहीं पाते हैं, बट जो मेरे मायके की तरफ से फैमिली है, मेरे ससुराल पक्ष हैं, वो सभी लोग इसमें 22-20 साल से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि आप ब्लड डोनेट करते हैं, कौन है इसकी इंस्पिरेशन, किसके कहने पे आप ब्लड डोनेट करते हैं? डॉक्टर संत गुरमीत राम भीम सिंह जेम्स हैं। क्या कहते हैं ऐसा गुरु जी जो हैं, क्या कहते हैं कि एक साथ इतने लोग जो हैं ब्लड डोनेट करने के लिए राजी हो जाते हैं? देखिए, वो हमें एक ऐसा उन्होंने रास्ता दिखाया है कि मतलब जो लोगों की सेवा करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कहने और करने में जो अंतर होता है ना, उन्होंने हमें वो दिखाया है। कहते तो सारे लोग ही हैं, जो बहुत सी सोसाइटी बनी हुई हैं या संस्थाएं बनी हुई, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो असलियत में करके दिखाते हैं वो डेरा सच्चा सौदा ही कर सकता है, करता है और करता ही रहेगा। नशे आज समाज में बहुत बढ़ रहे हैं, तो डेरा सच्चा सौदा जो है नशों को कम करने के लिए किस तरह से आगे आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी मेरे खुद के घर से। आज से 20-22 साल पहले मेरे फादर साहब इतनी ज़्यादा नशे में विलीन थे, हम 3 बहनें थी, 1 भाई है, इतने ज़्यादा मतलब नशे में विलिप्त थे कि मतलब सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी हमारा घर बिल्कुल ऐसा था। लेकिन जब मेरे माता जी इससे जुड़े, तब उन्होंने मेरे पिताजी को जोड़ा, हमें जोड़ा, और उसके बाद से मतलब हम खुद हैरान हैं कि हमारे घर की जो स्थिति थी वो ऐसी हो गई कि लोग देखते थे कि अरे वो जो आदमी हर टाइम नशे में रहता था सुबह शाम, आज उन मतलब हम मतलब बोल के नहीं बयान कर सकती, मैं तो नहीं बयान कर सकती जो उन्होंने हमें दिया है, हम बयान नहीं कर सकते। बेटियों की अगर मैं बात करूं, बेटियों को अगर मैं कहूं कि बेटों के बराबर नहीं समझा जाता, अब भी समाज में ऐसे कई समाज के ऐसे पहलू हैं या ऐसे बहुत सारी जो है कंडीशंस हैं जहां पे बेटियों को पीछे रखा जाता है, गुरुजी ने कैसे जो है कौन कौन से कार्य जो ऐसे किए हैं जिनमें बेटियों को आगे रखा गया या बेटियों को बराबर समझा गया बेटों के? देखिए, उन्होंने तो हर एक कार्य में ऐसा कभी मतलब हमें ये मतलब दिखाया ही नहीं है कि भी लड़कियां या लड़कों में कोई फ़र्क है। उन्होंने हमेशा यही दिखाया है कि मतलब जो भी मतलब हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है कि मतलब लड़कियां अलग हैं या लड़कों से या कम है या किसी भी तरह से। जो ये कुछ ये मतलब अशिक्षित समाज है, उन लोगों ने ये धारणा बना रखी है, स्पेशली एक औरत जात में, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये बात सही है, औरतों ने ये किया है, मतलब जो पुरुष पक्ष है उनके दिमाग में भी ये बात औरतों ने ही डाली है कि लड़कियां लड़कों से किसी चीज़ में कम है। लेकिन जो आजकल का समाज है, शिक्षित समाज है, उसमें भी काफ़ी हद तक मतलब बदलाव आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदलाव बहुत ज़्यादा आया है, वो आया है सिर्फ डेरा सच्चा सौदा की सिरसा की तरफ से। अगर मैं बात करूं कि आज समाज जो है बुराइयों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कितनी ज़रूरत है समाज को गुरुजी की? देखिए, ज़रूरत तो एक तरह से इस तरह है, जैसे हमारे शरीर के लिए खून की ज़रूरत है ना, वैसे ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी थी समाज में जो बदल चुकी है, लेकिन जो अभी भी जिन लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है और वो अभी भी गंदगी फैला रहे हैं, उस गंदगी को साफ़ करने के लिए गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम शायद शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते कि उनकी कितनी ज़रूरत है हमें। जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं मीडिया में, जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में और गुरुजी के बारे में दिखाया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या वो सच है? आप इतने सालों से आ रहे हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे। देखिए,
वो कहते हैं ना कि मतलब लोगों ने तो मतलब किसी भी धर्म गुरु को छोड़ा ही नहीं है। जो मतलब परिवर्तन जब कोई करने पे उतरता है ना, तो उसके रास्ते में मतलब दुनिया हमेशा रोड़ा बनकर खड़ी हुई है, ये बात हम सब समझते हैं। और डेरा सच्चा सौदा तो इस मुकाम पर पहुंच चुका था कि मतलब कोई ऐसी बुराई नहीं थी जिसे ख़त्म करने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे थे। तो उन्होंने तो अपना ये चेहरा दिखाना ही था, और गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ होगा, ये समय आएगा, जो समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं। और उन्होंने बोला था कि बेटा छानना लगेगा, वो छानना लग चुका है। जिन्होंने रहना था वो रह गए हैं, जिन्होंने वैसे ही जो बहाने ढूंढ रहे थे कि हमें निकलना है यहाँ से, वो तो निकल ही गए हैं। क्या अपील है आपकी सरकार से? मेरी सरकार से यही अपील है कि मतलब उन्होंने इतने मतलब मानवता भलाई के कार्य शुरू किए हैं, आप कहीं भी कोई ऐसा दिखा दीजिए जो ऐसे कार्य कर रहा हो। अब उन्होंने इतना बीड़ा उठाया था, तो मतलब मेरी सरकार से यही अपील है कि हाथ जोड़कर कि एक बार वो इस मुद्दे पर ज़रूर देखें कि मतलब जो इतने करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे हुए लोग जुड़े हैं, वो कोई मतलब ऐसे तो है नहीं कि बिना कुछ देखे जुड़ चुके हैं। 20-20 22-22 साल से आज हम भी जुड़े हुए हैं, इतने सालों से सेवा करते हैं, ऐसा कहीं किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, तो हम कैसे बोल दें? कि मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ के यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी को हमारे बीच लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बताया कि किस तरह जो है इनके घर पे जो है एक मेंबर जो है नशा करते थे, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद जो है उन्होंने नशे का त्याग कर दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से जुड़ने के बाद नशा छोड़ा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से।